1996 एक 16 साल नौजवान पहली बार बल्ले के साथ मैदान में उतरता है और दुनियाए क्रिकेट की तारीख बदल कर रख देता है। कौन था ये नौजवान और कैसे इसने क्रिकेट की दुनिया पर 20 साल तक राज किया? कंट्रोवर्सीज, बॉल टेम्परिंग, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और फैन बेस से भरपूर करियर, हर बच्चा यही बनने की कोशिश करता है। क्या ये सब सिर्फ टैलेंट से हुआ या फिर बहादुरी और लक का भी इसमें कुछ हाथ था? आइए सुनते हैं एक ऐसे ही स्टार की कहानी, एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी जिसे आज तक याद रखा जाता है। कहानी शुरू होती है 1996 से। पाकिस्तानी कप्तान और माया नाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम एक लेग स्पिनर की तलाश में लगे होते हैं। टीम में लेग स्पिनर की इंजरी की वजह से उन्हें फौरन एक लेग स्पिनर दरकार होता है। पाकिस्तानी कैंप से एक 16 साल नौजवान आता है। कीनिया के अंदर श्रीलंका के खिलाफ मैचेस होते हैं। ये नौजवान पहले मैच में ना तो कोई विकेट ले सकता है और ना ही इसकी बैटिंग में बारी आती है, लेकिन अगले मैच में कप्तान वसीम अकरम जब इसे बैटिंग के लिए भेजते हैं तो उन्हें क्या मालूम था कि ये 16 साल नौजवान हमेशा के लिए क्रिकेट खेलने का अंदाज बदल कर रख देगा। ये नौजवान आया और 36 बॉल्स पर 100 रन बना डाले। जी हाँ, इसका नाम था शाहिद खान आफरीदी। पहली बार बैटिंग करने आया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। दुनिया ये देखकर हैरान थी कि आखिर एक 16 साल नौजवान कैसे दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स की पिटाई कर रहा था, जिसमें मुरलीधरन भी शामिल थे। एक बात तो तय थी, इस नौजवान ने क्रिकेट की दुनिया पर राज करना ही करना था। दुनिया और हमेशा के लिए क्रिकेट खेलने का अंदाज भी बदलना था। अब आया पहला टेस्ट मैच 1998। पहले ही टेस्ट मैच में शाहिद आफरीदी ने 5 विकेट्स लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। उनकी अपनी जुबानी ये बहुत तारीखी मैच था। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ बॉलिंग करना यादगार था। लाला की परवान अब सिर्फ ऊपर की तरफ थी। इसके बाद आता है 1999 का फेमस चेन्नई टेस्ट। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मशहूर जमाना चेन्नई टेस्ट मैच 1999 में खेला गया। यही मौका था नौजवान आफरीदी के लिए कि वो अपना लोहा मनवाते। वैसे तो वो पहले भी ये कारनामे कर चुके थे, लेकिन भारत के खिलाफ परफॉर्म करके स्टार बना जा सकता था और आफरीदी ये बात बखूबी जानते थे। दूसरी इनिंग में शाहिद आफरीदी ने समझदारी से और जिम्मेदारी से बैटिंग करते हुए शानदार 141 रन बनाए और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। आज भी दुनिया के बेहतरीन टेस्ट मैचेस में इस टेस्ट मैच का शुमार होता है और शाहिद आफरीदी की इनिंग हमेशा के लिए यादगार बन गई। इसके बाद तो कामयाबी का वो दौर शुरू हुआ कि फिर कभी रुका ही नहीं। लाला दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर बन चुके थे और उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। फिर 2004-05 में दोबारा भारत के खिलाफ 45 बॉल पर 100 रन बनाकर लाला ने सबको हैरानों परेशान कर दिया। बैटिंग के साथ साथ लाला की बॉलिंग में भी मजीद निखार आ रहा था और उनकी बॉलिंग समझने में बड़े बड़े बल्लेबाज घबरा रहे थे। आफरीदी पाकिस्तानी हीरो बन चुके थे। लेकिन फिर हुआ एक हादसा। 2007 के वर्ल्ड कप से पहले आफरीदी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में बैटिंग करके वापस जा रहे थे कि अचानक एक साउथ अफ्रीकन तमाशाई ने कुछ कहा। आफरीदी ने अपना बल्ला उसके साथ लगाया और हंगामा बरपा हो गया। शाहिद आफरीदी पर वर्ल्ड कप के 2 मैचेस के लिए पाबंदी लगा दी गई। आफरीदी ने अपील नहीं की, क्योंकि अगर अपील खारिज हो जाती तो 4 मैचेस की पाबंदी लग सकती थी और वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे। याद रहे कि बैन इसलिए लगा था कि आफरीदी तमाशाई के लिए खतरा थे और अगर कोई बीच में ना आता तो वो बैट भी मार सकते थे। क्या आपके ख्याल में ये बैन दुरुस्त था? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। याद रखिए कि शाहिद आफरीदी ने वर्ल्ड कप के पहले दोनों मैचेस नहीं खेले थे और पाकिस्तान वो दोनों मैच बुरी तरह से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। लाला का करियर इसी तरह की कंट्रोवर्सीज की जद में रहा। 2010 में जब वो एक मैच में कप्तानी कर रहे थे और राना नवीदुल हसन बॉलिंग करा रहे थे तो अचानक आफरीदी ने बॉल को बाइट करना शुरू कर दिया। दुनियाई मीडिया ने हंगामा खड़ा कर दिया इस बात पे, चीटिंग 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 करता है तू। और शाहिद अफरीदी पर 2 मैच का बैन भी लगा। अब जब भी लाला से पूछा जाता है तो वो इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं। कंट्रोवर्सीज तो अपनी जगह, हम सबको 2009 का T20 वर्ल्ड कप बखूबी याद है। हम सब कम उम्र में स्क्रीन के आगे बैठे थे। लाला का वो भाग कर कैच और अपने रवायती स्टाइल में सेलिब्रेशन कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद सेमीफाइनल में धुआंधार बैटिंग और तबाहकुन बॉलिंग से पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया था। जैक कैलिस ने जब 2 बाउंसर मारने के बाद लाला को आंखें दिखाई, तेरा तो गेम बचाना पड़े, तो लाला ने शानदार कमबैक किया और एक फ्लाइंग किस करके कैलिस का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। और फाइनल में तो लाला ने सबको हैरान कर ही दिया। आखिर तक खड़े रहे और आखिरी बॉल में खेल कर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जिताया। इसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लाला ने कैसे अश्विन को 2 तारीखी छक्के लगाकर एशिया कप में भारत को शिकस्त दी थी। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि शाहिद अफरीदी एक ओवररेटेड खिलाड़ी थे। वो पाकिस्तान टीम के लिए बोझ थे और बहुत पहले ही अपनी क्रिकेटिंग पीक को पहुंच चुके थे और उसके बाद सिर्फ उनको टीम में रखा गया था। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? ऐसा कहने वाले लोग ये बात समझने से कासिर हैं कि शाहिद अफरीदी क्रिकेट में एक बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से आए थे और हम सबको ये बात मालूम है कि उन्होंने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को बहुत से मैचेस जितवाए। सबसे नुमाया हम ये कैसे भूल सकते हैं कि 2011 के वर्ल्ड कप में वो शाहिद अफरीदी की बॉलिंग और कैप्टनसी ही थी जिसने हमें सेमीफाइनल तक पहुँचाया। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बॉलिंग करके शाहिद अफरीदी की वजह से ही हम उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, क्योंकि उस टूर्नामेंट से पहले आमिर, आसिफ और सलमान बट की फिक्सिंग की वजह से हमारी टीम बिल्कुल टूट चुकी थी और लाला की कैप्टनसी के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी टीम को लीड किया और एक अच्छी फाइट दी। लाला का करियर तो शायद किसी बड़ी ट्रॉफी के साथ ख़त्म नहीं हुआ, जैसे कि वर्ल्ड कप, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का, लेकिन अपनी मौजूदगी की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा मुखालिफ टीम के लिए एक दबाव रहे। वो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते थे, चाहे वो बैटिंग से हो चाहे वो बॉलिंग से हो। यही वजह थी कि शाहिद अफरीदी को दुनिया भर में पसंद किया जाता था और पसंद किया जाता है। हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान को शायद ही दोबारा शाहिद अफरीदी जैसा मायानाज ऑलराउंडर मिल सके।